Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 27 जून 2019 थर्सडे है. सुबह के 8:08 हो रहे हैं. आज मंथली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपायरी का दिन है. काफ़ी वोलेटाइल मूव्स हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में. स्टॉक्स का भी आज एक्सपायरी का दिन है, तो बी केयरफुल. जो फ्रेशर्स है खासकर अवॉइड करें ट्रेड करना. जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें. तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे. कल हमने डबल बॉटम फॉर्मेशन देखा था डेली चार्ट में, तो क्या इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा और कंफर्टेबली सस्टेन करेगा उसके ऊपर देखते हैं. और एक नोट है, ये जो वीडियो है हर रोज हम सुबह पब्लिश करते हैं अराउंड 8:30 के पास. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी और मार्केट आर्स के पहले आप इस वीडियो को देख पाएंगे. तो कल के एनालिसिस का सबसे पहले रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 26 जून, आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. कल का हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,828 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,739. ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का डेटा हमें कल का कैंडलस्टिक का ये डेटा प्रेजेंट कर रहा है. तो अगर ये ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल कैसे आइडेंटिफाई किए थे ये देखना है तो कल का वीडियो हमारा आप रिफर कर सकते हैं. उसका लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. तो ब्रेकआउट लेवल काफी देर ये रिस्पेक्ट हुआ, काफी बार इसको पेनेट्रेट किया, इसके ऊपर जाने की कोशिश की. और यहाँ पर ये जो पिंक लाइन है 20 EMA, ये पूरा दिन कल सपोर्ट का काम किया है इसने. इसके नीचे ये सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ से जैसे ही एक बाउंस बैक मिला आफ्टर लास्ट मार्केट आवर्स जो बचे थे वहां पर ये इसने फर्स्ट टारगेट भी अचीव किया 11,844 और सेकेंड टारगेट 11,856 ये भी अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में मिला जुला कारोबार देखने को मिला. डाउ जोन्स 11 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ तो नासडैक हल्की सी बढ़त 25 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार देखिए तो वहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर दिखाई दिया. जो ईरान और यूएस के बीच में काफ़ी टेंशन बना हुआ है और चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर के ऊपर बातचीत होने के लिए कोशिश जारी है, तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहे हैं. जापानीज इंडेक्स 188 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और हांगकॉन्ग मार्केट 247 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर देखे तो 63 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है इस समय और एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव नोट के साथ 17 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल अभी फिलहाल एशियाई मार्केट पॉजिटिव मूड में दिखाई दे रहे हैं. देखते हैं निफ्टी इंडेक्स में आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. यहाँ पर हमने ये जो बाउंस बैक आया था 11,108 से, तो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने ड्रॉ किया था. इसका जो 50% का लेवल था 11,605 ये ऑलमोस्ट इसने अचीव किया था और अभी ऊपर ये फिर से एक बार बाउंस बैक दिखा रहा है. तो कल अभी इसने फिर से 11,868 ये जो लेवल है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस किया. तो आज और कल दो दिन बचे हैं इस वीक में. अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है और क्लोज मिलता है तो यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल का हमें सिग्नल मिल जाएगा, जो कि बुलिश पैटर्न है. इसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है 11,868 के ऊपर तो हो सकते हैं चांसेस फिर से निफ्टी 12,103 के लेवल्स हमें दिखाई दे सकता है. तो यहाँ पर बुलिश और भी ज़्यादा बुलिश ट्रेंड देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि इस लेवल के ऊपर ये आने वाले वीक में इस वीक में ये क्लोज हो. अगर ऐसा नहीं होता है और ये फिर से 11,723 के नीचे चला जाता है तो ये 20 EMA तक आ सकता है. ये अराउंड अभी 11,537 यानी 550 ऑलमोस्ट इसके पास ये 20 EMA है एज पर वीकली चार्ट. तो यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है. तो वीकली चार्ट में अभी फिलहाल अगर यहाँ पर
क्लोज मिलता है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा जो कि बुलिश साइन है। चलते हैं डेली चार्ट में, डीए है डेली चार्ट। डेली चार्ट का आरएसआई अगर देखें सपोर्टिंग इंडिकेटर, तो यहाँ पर भी डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और ऊपर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पर जैसे कि हम पास्ट दो तीन वीडियो से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखा रहे थे कि यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है अगर ये इस लो को अगर ये ब्रेक नहीं करता, इस लो को अगर ये ब्रेक नहीं करता तो चांसेस है कि यहाँ से ऐसा डबल बॉटम फॉर्मेशन मिले। अभी डबल बॉटम फॉर्मेशन तो हो गया है, लेकिन इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। अभी एक ही कैंडलस्टिक आया है कल, यहाँ पर देखे तो ये जस्ट नेक लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, और ऊपर यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो लेवल है जहाँ पर पास्ट में इसने कई बार ये सपोर्ट फेस किया था, ये देख सकते हैं आप इस लेवल के पास, यहाँ पर तो ये अभी रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो एक कंफर्मेशन मिलने दीजिए, यहाँ पर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से हम लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं और 20 EMA का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो ये ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए ये स्ट्रेटेजी होगी। चलते हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं 60 मिनट के चार्ट में। ये 60 मिनट का चार्ट, हो सकता है आज गैप अप ओपन हो, अगर नहीं होता है गैप अप ओपन नहीं होता है और ये जो कल का हाई है, ये कल का हाई अराउंड 11872 के पास है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजिशन बनाएंगे और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये जो R1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, ये हमारा आज फर्स्ट टारगेट होगा 11,893, और सेकंड टारगेट होगा ये यानी 11,910, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है कल के हाई के ऊपर अगर ओपन होता है और उसके बाद 11,893 ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही बाय करना। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी फिर बाय कर सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,910, ठीक है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर में ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बना है, इसका अगर लो अगर ब्रेक करता है, ये लो जो बना है, ये यहाँ पर जो स्विंग हाई बना है पास्ट के ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ से निफ्टी घूमा था, तो ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम सेल यानी शॉर्ट सेल यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,825, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पर 11,806, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।